नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी को लेकर, किस तरीके से दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की ओर से पहला विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन सोलर को लेकर हुआ, जिसमें 149 देशों के 26,000 से ज़्यादा जो प्रतिभागी थे, प्रतियोगी थे, उन्होंने वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। और इसमें जो एजेंडा था कि किस तरीके से दुनिया में अब जो स्वच्छ, टिकाऊ और हरित ऊर्जा है उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं, यानी कि ग्रीन जो एनर्जी है उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी या इनोवेशन के जरिए उसमें क्या चैलेंजेस हैं और क्या रास्ता भविष्य का हम देख सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। उपेंद्र त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ मोहित भार्गव साहब हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RENNTPC से, आपका स्वागत है। और संजीव गुप्ता साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, पावर एंड RE से, आपका भी सर स्वागत है। शुरुआत में त्रिपाठी साहब आपसे करना चाहूँगा कि ये जो शिखर सम्मेलन हुआ और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और हालांकि हम कहें कि 2015 के बाद तेज़ी के साथ कदम इसकी तरफ आगे बढ़े हैं और एकजुटता नज़र आ रही है, इस बार क्या रास्ता और कितना रास्ता हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जब तक सोलर की बात है तो सोलर तो दुनिया भर बढ़ रहा है। हम तो जो सोलर सौर क्रांति की बात कर रहे हैं अभी, सौर क्रांति का मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट कम होता रहा है और टेक्नोलॉजी अच्छे तरह बढ़ रहा है। अभी आप अगर देखेंगे तो पहले तो हम सोलर 2015 में काफ़ी कॉस्टली था। भारत की एग्जांपल लीजिए, उदाहरण लीजिए, इसमें तो एक यूनिट का कॉस्ट तो 12-14 रुपया था, अभी 2-2.5 रुपया तक आ गया और दुनिया भर में कम हो जा रहा है। तो ये तो एक अच्छे तरह की मार्केट में कॉस्ट जब कम होता है तो मार्केट में उसी ऊर्जा की स्प्रेड ज़्यादा होती है। बट ये अभी क्या हो रहा है, ये सिर्फ पावर सेक्टर में जो था, जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था सन से, वो बल्कि वो दूसरी तरफ भी जा रहा है। मतलब हम अभी बात कर रहे हैं सोलर इन एग्रीकल्चर, हम बात कर रहे हैं सोलर इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट सोलर इन हेल्थ, सोलर इन इंडस्ट्री, सोलर इन हीटिंग, सोलर इन कूलिंग, जैसे ये एरिया स्प्रेड होता जा रहा है फ्रॉम पावर जनरेशन। अभी हम ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, सोलर व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, और सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जहाँ काफ़ी एनर्जी यूज होता है, एयर कूलिंग हो या इंडस्ट्रियल हीटिंग हो। तो हम ये जो हमारा जो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी कांग्रेस समिट हुई, इसे ये पता चला कि सोलर की स्प्रेड जो एरिया था, एरिया ऑफ एप्लीकेशन हम जो बोल रहे हैं, ये काफ़ी बढ़ रही है। मतलब पावर जनरेशन से अभी ट्रांसपोर्ट की तरफ, बिल्डिंग के तरफ, चारों तरफ फैल रही है। ओके, और जिस तरीके से सर इसमें जो एक था कि टेक्नोलॉजी का इशू आ रहा था और कुछ देशों के पास इसकी बेहतर तकनीक है और जो पिछड़े या फिर विकासशील देश हैं उसके साथ शेयरिंग की बात हो रही थी, क्या इस दिशा में कोई हम एक साझा अपना एजेंडा तय कर पाए हैं और उसके साथ देश खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, या अभी कुछ रुकावट है इसको लेकर? रुकावट तो अभी यही है कि जो सोलर टेक्नोलॉजी है, अभी ज़्यादा तरफ हम PV की बात कर रहे हैं जो सिलिकॉन बेस्ड हैं। और अभी जो टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा हुई, इससे ये पता चला कि ये PV छोड़ के भी दूसरे टाइप्स, नए टेक्निक्स आ रहे हैं, वो पेरोवस्काइट हो या नॉन सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट सिस्टम्स हो, जो फ्रंट एंड, और ऐसे भी PV टेक्नोलॉजी जहां एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ रही है, जो बाईफेशियल है, जो दोनों तरफ से पावर जनरेशन हो रहा है। एक कोई सोलर इंक है जिसका यूज़ करके, मतलब होल स्मार्ट प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। तो कुछ देशों में ये काफ़ी ये टेक्निक्स आर अवेलेबल। मतलब ये जो PV आप देखिए, चाइना में तो काफ़ी प्रोडक्शन है PV पैनल की, और कुछ देशों में डिमांड काफ़ी है, खुद का सप्लाई नहीं है। तो ये नए टेक्नोलॉजी की सवाल नहीं है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी उसका भी प्रोडक्शन सेंटर्स इतना यूनिफॉर्म नहीं है। ये तो एक तो ग्लोबल मार्केट सर्व करता है, और दूसरी बात यह है कि काफ़ी देशों में ये अभी एक प्रॉब्लम है, वो ये टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे या ना करे, क्योंकि कई साइंटिस्ट, कई इंडस्ट्री जो आए थे और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने ये राय दिया कि
नए टेक्नोलॉजी अभी आने वाले हैं, अगर नए टेक्नोलॉजी आ जाएंगे या इसी टेक्नोलॉजी पे काफी प्रोग्रेस हो जाए कि एफिशिएंसी वो अभी जो 18-20-22% है इससे 30-35% तक चले जाए, तो जो लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी में उसी में दिक्कत तो होगी। तो काफी देशों में काफी इंडस्ट्री काफी मतलब दे आर वेरी केयरफुल, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है और ये ना हो कि कहीं एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गया, काफी पैसा खर्च करके उन्हें टेक्नोलॉजी लिया और टेक्नोलॉजी ये पता चला कि वो बदलाव नहीं हो गया और नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो ये टेक्नोलॉजी उसी काम नहीं दे रहा है। जी जी। तो ये एक सवाल था। तो वही दो तीन चीज थे कि ये जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है या LTCs है वहाँ ये टेक्नोलॉजी कैसे उपलब्ध किया जाए, और ये सनलाइट को जो बोलते हैं कि ऑयल इन द एयर, ये तो काफी इसमें हीट है लाइट है, अभी तो हम सिर्फ फोटोन यूज कर रहे हैं लाइट का, सनरेज में हीट भी काफी है, अगर हम हीट को भी लाइट जैसे कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी हीट से भी ले सकते हैं तो वो जो थर्मो पीवी जो नए टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे वो इसे भी पीवी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है जहाँ हीट और लाइट दोनों से इलेक्ट्रिसिटी निकले। ओके तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आई ये जो समिट हुई थी। मोहित जी, क्योंकि जिस तेजी के साथ इसकी डिमांड बढ़ी है और जिस मैं कहूँ कि तेजी के साथ इस सेक्टर में इनोवेशन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो दूरी है, खासतौर पर मैं कहूँ कि एफोर्डेबल और सस्टेनेबल जो ग्रीन एनर्जी की दिशा में हम जो टारगेट हमने तय किए हैं वो दूरी कितनी है, और इस दूरी को कम करने या ख़त्म करने की दिशा में टेक्नोलॉजिकल लिहाज से हम कितना आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके के चैलेंजेस हैं? सबसे पहले तो कविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, और ये आपने बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया है, और जैसे माननीय उपेंद्र जी ने बताया टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम अगर सोलर की बात लें तो सोलर में आज की जो एफिशिएंसी है फॉर एग्जांपल ये करीब 18-19% के बीच में है, और ये पॉलीसिलिकॉन टेक्नोलॉजी होती है। अब इस पे कई देश जैसे जर्मनी है या USA है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और टेक्नोलॉजी इनोवेशन होने के बाद ये जरूर एक तरीका होता है कॉस्ट घटाने का, या तो उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिले। तो जैसे अब भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2022 तक 175 GW की रिन्यूएबल कैपेसिटी लगाएंगे और लगभग 2030 तक 450 GW की रिन्यूएबल कैपेसिटी लगाएंगे, तो इसमें सोलर एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट होगा, लगभग हो सकता है 60-70% इसमें सोलर का कंट्रीब्यूशन हो। तो एक चीज जो मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में भी दुनिया भर में सोलर के द्वारा जो रेट्स अब आए हैं ये सबसे कम रेट्स हैं। अगर हम किसी भी रूप से बिजली उत्पादन का रेट देखें तो इंडिया में तो रेट आया है 2.36 रुपये का लेटेस्ट, जो कि 2015 के मुकाबले काफी कम हो गया है, और उम्मीद है कि धीरे धीरे ये और डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ ही जाता रहेगा। बट विदेशों में जैसे मिडल ईस्ट में कुछ ऑक्शन हुए थे और पुर्तगाल में कुछ ऑक्शन हुए हैं, तो वहां पे तो रेट लगभग 1.4-1.5 US cents, जो कि लगभग समझ लीजिए 1.10 रुपये 1.20 रुपये की रेंज में आ गया है जी। तो हालांकि भारत के रेट और वहां के रेट की तुलना सीधे करना ठीक नहीं है क्योंकि उसमें काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं, बट भारत में भी आज की तारीख में 2.36 रुपये का जो रेट हमें मिला है ये बहुत ही बढ़िया रेट है, और बाकी जितने भी हमारे कंपेरेबल ऑप्शंस हैं बिजली पैदा करने के उन समय सबसे कम है। और अगर हमारी जो जो मॉड्यूल की एफिशिएंसी है, जो सेल की एफिशिएंसी है, ये और बढ़ती जाएगी तो उससे बिजली का जो आज 18-19% की बिजली हम सोलर की बिजली कन्वर्ट कर पा रहे हैं ये अगर 25% पहुंच जाती है या 10 साल बाद मान लीजिए 30% पहुंच जाती है तो डेफिनेटली इसमें और बढ़ोतरी होगी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमारा जो लक्ष्य है कि हम सोलर को बढ़ाएं, हम राष्ट्र के हर एक को बिजली दें जो कि भारत सरकार ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो उसमें सोलर का एज ग्रीन एनर्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। लेकिन सर एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, चुनिंदा जो 5-7 देश जहाँ पर इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा निवेश और वहाँ पर इनोवेशन इस सेक्टर में हो रहे हैं, मोहित जी क्या हम इनोवेशन के लेवल पर जिस तरीके से सोलर अलायंस वर्क कर रहा है और एक साथ तमाम देश आए हैं,
क्या वो अपनी तकनीक को साझा करने को देश तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इसमें खबरें आई थी कि कई तरह की अड़चनें आ रही हैं, और दूसरा क्योंकि जब तक आम पब्लिक किसी भी देश में उसका इस्तेमाल नहीं करेगी तब तक शायद जो मास प्रोडक्शन है वो नहीं होगा और जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो हम नीचे नहीं ला पाएंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, टेक्नोलॉजी शेयर करना एक अलग चीज है, उसके ऊपर तो हर कंपनी की या हर देश की अपनी नीति हो सकती है, पर हम लोग जो कर सकते हैं और जो भारत सरकार डेफिनेटली कर रही है कि वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने एक दो टेंडर्स किए हैं टू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के, और अब आप लोग ने शायद अखबार में ही पढ़ा होगा और अलग पैकेजेस का के ऊपर विचार चल रहा है जो कि हमें उम्मीद है जल्दी आ जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा कि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओवरसीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक इंकरेजमेंट मिलेगा कि वो भारत में आके अपनी फैक्ट्री लगाएं, क्योंकि अपने आप में भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है सोलर डेवलपमेंट का। तो अगर हम मान लीजिए अगले 5 साल में 100 गीगावाट या उससे ज्यादा सोलर का हम एक ऑप्शन लेके चल रहे हैं, तो ये एक इतना बड़ा मार्केट है कि इसमें हर मैन्युफैक्चरर इंटरेस्टेड होगा कि हम भी आके लगाएं ताकि हमारे पैनल्स की बिक्री बढ़े, हमारे जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स की बिक्री बढ़े। तो इस टेक्नोलॉजी का जो असल में इसके कॉस्ट की जो गिरावट आएगी, ये अगर एक मार्केट क्रिएट होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलती है, तो इन दोनों चीज़ों से बहुत फायदा होता है। अगर हम आज की तारीख में मान लीजिए देश में आज लगभग 3 से 4 गीगावाट सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की उपलब्धता है, अगर ये कैपेसिटी लगभग 20 गीगावाट तक पहुंच जाए तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो रेट है सोलर का अवेलेबिलिटी का वो काफ़ी आएगा। और क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें लगातार रिसर्च चल रही है टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी बढ़ाने की, तो लोग अपने आप इच्छुक होंगे कि कॉम्पिटिशन है, मार्केट है, तो हम बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी लेके आए। संजीव जी, अगर मैं इंडस्ट्री के नज़रिए से कहूँ, और जैसा कि कहा मोहित साहब ने कि पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हम उस पोटेंशियल के लिहाज से कितना आउटपुट निकाल पा रहे हैं, और अगर ये संख्या कम है या ये नंबर्स कम हैं, इसको बढ़ाने को लेकर क्या अड़चने हैं, और उस दिशा में इंडस्ट्री की डिमांड क्या है या फिर इंडस्ट्री की अड़चने क्या है? कविन जी, आई थिंक मोहित जी ने बहुत अच्छे से पूरे पर्सपेक्ट को रखा है, बट मैं इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं लेना चाहूँगा जहाँ से मोहित जी ने टैरिफ की बात को छोड़ा। तो टैरिफ बहुत लो टैरिफ होने के बावजूद एक पर्टिकुलर लेवल पे 2.36 जैसे मोहित जी ने बताया जुलाई में आ गया था वो टैरिफ, जो कि उसके बाद अभी रीसेंट टाइम्स में थोड़ा बढ़ के 2.9 के करीब दिखा है। बट एट द सेम टाइम मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि टैरिफ कम होना सिर्फ अपने आप में एक सोल्यूशन नहीं है, हो सकता ना है, क्योंकि नीचे टैरिफ आने से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, उसकी वजह से एक इनोवेशन और उसी की वजह से एक आगे बढ़ने के रास्ते इनोवेशन और उससे रिलेटेड वाले सब रुकते हैं, लेंडर का मार्जिन कम हो जाता है, तो ये सारा इम्पैक्ट वापस आता है इंडस्ट्री को। एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम और आती है कि अगर कोविड जैसी कोई स्थिति आ जाती है जिसमें कि पहले ही पैसे का कंस्ट्रेंट होता है, और कोविड जैसी स्थिति में बैंकर या लेंडर अपना जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है उसको और कम कर देता है, तो वो एक समस्या आती है जो मैं इंडस्ट्री के परस्पेक्ट से, जो सप्लायर इंडस्ट्री है इसकी उसके परस्पेक्ट से ये पॉइंट रखना चाहता था। और रिलक्टेंसी ऑफ लेंडर टू लेंड मनी और बढ़ जाती है, तो वो एक कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाता है प्रॉब्लम। इसी के साथ अगर आप देखें स्टेट गवर्नमेंट्स की भी अपने कैश फ्लोज कम हो जाते हैं, और उसके अलावा उनका एक जो ऑनरिंग ऑफ PPA है उस पर भी इम्पैक्ट आ जाता है। अभी रिसेंटली हमने पंजाब में देखा, इससे पहले मेरे को पैनलिस्ट एग्री करेंगे कि ट्रेडिशनली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका ये प्रॉब्लम्स रही हैं, और इन सब को कंपाउंड करते हुए अगर हम देखें तो कैश फ्लो का जो कंस्ट्रेंट है वो सारा का सारा इंडस्ट्री को एक मार की तरह सहना पड़ता है। बट इसमें एक बहुत अच्छी बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए सारी दिशा में काम किया है,
और ये बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि इससे जो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया और आत्मनिर्भरता जो भारत की हम बढ़ाना चाहते हैं इस वक्त वो सेंटर स्टेज पे है। उपेंद्र त्रिपाठी जी, एनटीपीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे माननीय मंत्री जी इस मुहिम में सबसे आगे खड़े हुए हैं, और हम अपनी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए एक इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें उपेंद्र त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बातें रखी कि अभी हम सिर्फ फोटोन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक लाइट का पार्ट है, अगर हम उसकी थर्मल को भी इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर एक अपील करना चाहूंगा आपके इस बहुत ही पॉपुलर चैनल के थ्रू, IITs और हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वो आगे आए, इंडस्ट्री के साथ पार्टिसिपेट करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस लगाएं, दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज को समझें, देखें और हिंदुस्तान में एक नई दिशा में इसको लेके जाएं जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा दे और टेक्नोलॉजी को एक उत्कर्ष लेवल पे लेके जाए, जिससे कि हिंदुस्तान सबसे अग्रणी खड़ा हो। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एक बहुत बड़ी बधाई मैं ये भी देना चाहूँगा कि 121 देशों का समूह जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने बनाया है उसका दुनिया में कोई दूसरा मुकाबला सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के अलावा नहीं है। इसके लिए उपेंद्र त्रिपाठी जी उसके लीडर हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको उसकी परिकल्पना की, उपेंद्र त्रिपाठी जी ने उसको स्वरूप में ढाला। इसके लिए ये देश और हम सब बहुत बधाई के पात्र हैं। संजीव जी, एक चीज उसी के अंतर्गत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ मिलके अगर यूनिवर्सिटीज इसका एक नया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लेके आए तो वो इस देश को और आगे ले जाएगा, ये मेरा एक संदेश होना। संजीव जी, एक बहुत ही छोटा सा जवाब चाह रहा था कि जो आंकड़े इशारा कर रहे हैं, मैंने इसलिए स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि भारत में उद्योग जगत इंडस्ट्री का जो रेशियो है टूवर्ड्स सोलर की तरफ इनोवेशन, या फिर उसको मैं कहूँ कि ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन इसको लेकर, वो शेयर इंटरनेशनल जो शेयर है उससे बहुत कम है। क्या इंडिया के मानक, इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नीतियाँ या कुछ और वजह हैं? ऐसी वजह हैं क्या हैं? क्योंकि जो देखिए इकोनॉमी का इशू है वर्ल्ड वाइड, कोरोना का इम्पैक्ट सब जगह पर तकरीबन 19-20 हो सकता है लेकिन सब जगह पर है, लेकिन फिर भी ये आंकड़े दिखाते हैं कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत या चुनौती है जिसके चलते शायद इंडस्ट्री वो रिस्पांस नहीं दे रही जो कि दे सकती है, जिस तरीके का पोटेंशियल इंडिया में है। कविन जी, बहुत बिल्कुल बेसिक सवाल है आप जिसको मैं उसको शायद पहले आपके पॉइंट को थोड़ा मिस कर गया था। मैं सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को रख रहा था। देखिए क्या है, मैं इसका एक पहले स्वरूप आपको ये बताना चाहूंगा कि दो साइड्स हैं इसकी। एक साइड पे सेलर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या जनरेट इंडस्ट्री से आता है, दूसरी साइड पे डिस्कॉम्स हैं जो कि कंज्यूमिंग इंडस्ट्री की तरह जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है और वो इसको लेके बिजली को क्लीन और सोलर पावर को लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बीच में एक सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन है जो गवर्नमेंट का एग्रीगेटर है, वो वहां पर पोजिशन है। अगर हम देखें प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ कि तीन बेसिक प्रॉब्लम्स की तरह मैं इस प्रॉब्लम को समझता हूँ, और उसमें GST भी एक प्रॉब्लम को गिनूंगा, एक कोविड गिनूंगा और एक इकोनॉमिक स्लोडाउन को गिनूंगा। तो जो प्रॉब्लम्स इस वक्त इसकी ग्रोथ में आ रही हैं जो कि हम थोड़े पिछले साल दो साल से थोड़ा देख भी रहे हैं कि ग्रोथ में जो आप इसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो मैं उसमें दोनों साइड की प्रॉब्लम्स आपको बहुत ब्रीफ में जो कि काफ़ी बिल्कुल क्लियर हैं बट फिर भी मैं एक बारी ले आऊँगा कि जो सप्लायर साइड या जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जनरेटिंग इंडस्ट्री है, उसकी प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने रखी, पर दूसरी साइड पे डिस्कॉम्स को भी अपनी एक प्रॉब्लम्स है। दूसरा चैलेंज उसका ये आता है कि उसके पास ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस इकट्ठा हो चुका जिसकी कि डीस्ट्रेसिंग की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उदय भी उसमें से एक स्कीम है, कई स्कीम से कोशिश भी की है। और तीसरा और जो बहुत बड़ा एक और चैलेंज आता है इस वक्त, आपने कोविड को कहा कि सब जगह है बट ऐसी स्थिति में पैसे का आवागमन, जो पैसा इकट्ठा हो रहा होता है वो काफ़ी कम हो जाता है,
वो इस सारी प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस वाली सारी प्रॉब्लम्स को कंपाउंड कर देता है। हमारी सारे एसेट्स काफी पुराने हो चुके हैं, एक वो भी एक चैलेंज है, और एक लेट अस नॉट फॉरगेट दैट आवर मैन पावर इज नॉट एज एफिशिएंट एज द रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायर्स। इसी के बीच में मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम और ये गिनवाना चाहूंगा कि डिस्कॉम्स बाय नेचर हैव नॉट बीन वेरी एफिशिएंट, दे आर नॉट वेरी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये बिल्कुल हमें मालूम है, मैं गुजरात से आता हूँ जहाँ पर हमारी डिस्कॉम्स, चारों हमारी डिस्कॉम कंपनी गुजरात की, हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया चारों डिस्कॉम कंपनीज हैं, बट ये सब स्टेट्स में नहीं है। हालांकि ये मॉडल सब स्टेट्स फॉलो करने की कोशिश करते जा रहे हैं, बट उतना सक्सेसफुल अभी नहीं हुआ। आपकी बात सहमत हूँ, क्योंकि डिस्कॉम के अलग चैलेंजेस और उनकी इश्यूज हैं, मैं उस पर भी एक अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं वापस मोहित जी, जो बात संजीव जी ने कही और मैं इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ, क्या कुछ सहूलियत या फिर मैं कहूँ कि यूनिफॉर्मिटी लॉ को लेकर, सहूलियत को लेकर स्टेट या सेंटर की जो स्कीम्स आ रही हैं अलग अलग स्टेट में, उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका, ये एक बड़ा चैलेंज है जो इसकी ग्रोथ को वो रफ्तार पकड़ने से रोक रहा है, या कुछ और चीज़ें हैं? देखिए कविंद्र जी, जो सवाल है ना कि रफ्तार अभी तक शायद नहीं आई है, एक पॉइंट मैंने पहले ही बताया कि अभी तक क्या था कि ग्लोबल इंडस्ट्री में काफी कैपेसिटी थी, तो इसलिए लोग खरीद रहे थे बाहर से। पर अब जैसे जैसे हमारा ये एक विश्वास आया है कि हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आत्मनिर्भर भारत के तरफ सारे प्रयत्न लगाएंगे और जो भी संभव कोशिशें हैं वो करेंगे, तो इसमें क्या है कि एक नेचुरल फोर्स बनेगा, एक नेचुरल मोमेंटम बनेगा, क्योंकि डिमांड है हमारे यहाँ। हम जैसे मैंने बताया दुनिया की शायद सबसे बड़ी सोलर मार्केट में से एक होंगे, मेरे ख्याल से हमारे अलावा एक आधे कोई हाथ, तो ये एक बार डिमांड क्रिएट होगी। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग हमें लगानी है, तो जो हमें थोड़ा सा पता चला है कि भारत सरकार ने, जैसे आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, स्टेट्स की रैंकिंग की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो इसमें क्या है कि इसके तहत ऑटोमेटिकली इंटर से राज्यों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होगी, और वो देखेंगे कि कैसे है, अगर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आनी है, और ये सारे बड़े इन्वेस्टमेंट्स होंगे, इसमें छोटा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होगा, कोई 2000 करोड़, कोई 5000 करोड़, कोई 10000 करोड़, अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने राज्य की तरफ आकर्षित करने के लिए, राज्यों को आगे बढ़ के कुछ ना कुछ उन्हें बेनिफिट्स होगा, चाहे वो जमीन कंसेशनल रेट पे दें, चाहे बिजली अच्छे दरों पे मुहैया कराएं, या उनको टैक्सेशन या कुछ और फिस्कल या टैक्स इंसेंटिव दें जो कि राज्य स्पेसिफिक होंगे। भारत सरकार तो जो एक इंसेंटिव देगी वो सारे राज्यों के लिए अवेलेबल है, तो अगर राज्य भी इसमें आगे बढ़ के प्रतिभागी बनेंगे और एक कॉम्पिटिशन टाइप हो जाएगा, तो हमें जरूर लगता है कि जो राज्य ज्यादा सहूलियतें प्रदान करेगा उनको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। अब इसमें जो राज्य शायद थोड़े से पीछे रह जाएंगे उनको शायद कम मिलेगा, बट इसमें फायदा यह होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है, जैसे अगर आप, मैं एक मिनट लूंगा जस्ट एनटीपीसी के बारे में बताने के लिए, आज हमारी कैपेसिटी जो है रिन्यूएबल की लगभग 1 गीगावाट की है, और हम और करीब 2.5 गीगावाट पे हमारा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट हमारा उद्देश्य है कि अगले 10 सालों में हम लगभग 30-32 गीगावाट या हो सकता है उससे ज्यादा भी हम अपनी कैपेसिटी बनाएं, और ये वो मैं सारी कैपेसिटी कह रहा हूँ जो हमारी एनटीपीसी की अपनी होगी, अपना पैसा खर्च करके हम ये सोलर के या विंड के प्लांट्स लगाएंगे। तो ये तो हम एक कंपनी है, पर अगर हम बात करें मान लीजिए अपने देश में जितने भी इसमें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का भी बड़ा अच्छा योगदान रहा है, तो पूरे देश में तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो अब मेरा तो पूरा उद्देश्य यह है कि मेरी जितनी भी प्रोक्योरमेंट होगी वो भारतीय होगी, डोमेस्टिक कंटेंट वाली होगी, क्योंकि हमारी क्लैरिटी है एज ए कंपनी कि हमारा फोकस है कि हमारी प्रोक्योरमेंट में विदेशी जो कंट्रीब्यूशन हो कम से कम हो। सोलर में मॉड्यूल सबसे बड़ा आइटम होता है, मॉड्यूल बनने लगेगा, उसके बाद इन्वर्टर्स बनने लगेंगे, तो ये सारी चीज अगर भारत में अच्छी क्वालिटी की बनने लगेगी तो हम सब कुछ यहीं से खरीदेंगे, और ये हो जाएगा तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीजों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये टाइम, ये समय आ गया है, द टाइम इज नाउ। अभी तक जो हुआ उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन नाउ इज व्हेन थिंग्स आर मूविंग,
और ISA के थ्रू जैसे हमने देखा कि कई टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स ने अपने अपने टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशंस किए और वो काफी अच्छी हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रही हैं, एंड काफी संभव है कि वो देख रहे होंगे भारत को बड़े अच्छे से कि कैसे हम भारत में हमें अच्छा मौका मिले और हम इन्वेस्ट करें, चाहे डायरेक्टली करें चाहे पार्टनरशिप में करें, वो जैसे भी करें। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि आवर टाइम हैज कम एंड दिस इज द टाइम टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज वो एक बहुत ही मूलभूत चीज है जिसके ऊपर ही हमारी रिन्यूएबल ग्रोथ होने वाली है। ओके त्रिपाठी सर, जिस तरीके से और मोहित जी ने बहुत ही अहम बात कही कि वाकई इस जब समिट में हमने देखा कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसी कंपनियां हैं जो कि इनोवेशन से जुड़ी हुई हैं सोलर सेक्टर में, और नए नए तरीके से वो बहुत ही चीप और कहूँ कि सस्टेनेबल इक्विपमेंट के साथ आ रही हैं, और इंडिया जिस तरीके का मार्केट है सोलर सिस्टम में सोलर डिमांड को लेकर के, किस तरीके से लक्ष्य आप देखते हैं? और अगर मैं स्टेट को हटा दूं, एक ओवरऑल कंट्री के लिहाज से देखूं, तो क्या आगे के लक्ष्य हमने तय किए हुए हैं और क्या उनके पहुंचने का रास्ता कुछ रफ्तार बढ़ी है? लेकिन कोरोना ने भले ही रफ्तार धीमी की हो, लेकिन वर्ल्ड में शायद सबसे बड़ा फोरम या वर्ल्ड ग्रिड की जब बात हो रही है तो सोलर ही है। ये तो सही बात है कि इंडिया में तो इंडिया बड़े देश है और डिमांड तो है, पर जब जब टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं ना, मैं आपको तीन चीज दिखाता हूँ। ये एक रिस्ट वॉच है मेरा, और 4 साल से मैंने बैटरी यूज नहीं किया क्योंकि इसमें एक सोलर पैनल है यहाँ, और ये वो इंडियन कंपनी ने बनाया। और दूसरी चीज देखिए, ये एक छोटा सा टॉय है, ये तो टॉय तो है, इसका जो पैर है इसके पास एक पैनल है, सोलर पैनल, और ये जो हैंड है, जब लाइट यहाँ गिरता है तो हैंड ऑटोमेटिक आइंस्टाइन का हैंड जाता है। और आपको मैं तीसरा चीज दिखा रहा हूँ, जो दुनिया में 7 बिलियन स्मार्टफोन्स है, आपके पास है, मेरे पास है, सबके पास है, और हम यूजुअल एनर्जी यूज करते हैं, अगर ये भी सोलराइज हो सकता है तो ये जो तकनीक हम बोल रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट की तकनीक, ये सोलर पैनल छोटा छोटा रिसोर्स के लिए बनाना, या इसे टॉय बनाना सोलर लेके, या ये जो 7 बिलियन फोन्स है इसके लिए सोलराइज करना, ये तो डोमेस्टिक सोलर इंडस्ट्री बन सकता है इंडिया में। जी, तो हम जो बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो हमारे देश में और चाहिए, ये सोलर तकनीक तो एक बड़े पैर पे है, तो पैनल बनाना है, पॉलीसिलिकॉन सब है या थिन फिल्म, वो छोड़ के आमतौर पर आप भी सोलर टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन, इसलिए हमने ISA में, हमारे तो अभी 194 कंट्रीज हो गए, वो 121 चला गया, अमेंडमेंट आ गया, बट वो जो भी हो, हम एक स्टार सी कंसेप्ट लाए, सोलर स्टार, सोलर यू नो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। तो हर देश में हमारा मेंबर कंट्री में एक स्टार सेंटर होगा जो लोकल एप्लीकेशन के बारे में बात करेगा। टेक्नोलॉजी तो बड़ी चीज होता है, और टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके फील्ड में यूज करने के लिए, इसे टॉय बनाना या रिस्टोर्स में यूज करना या मोबाइल को अपडेट करना, इसी का भी काफी इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं, क्योंकि हम तीनों चीज में देख रहे हैं, एक तो इकोनॉमिक और एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये तीनों चीज में पॉलिटिक्स आर इंटरेस्टेड, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ इसको भी जोड़े दिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए कि असल में किस तरीके से हम क्लीन और जब ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं और उसकी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, क्या आगे का रास्ता है, किस तरीके की चुनौतियां आ रही हैं और उससे कैसे हम पार पा रहे हैं। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।